विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडे की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने के साथ ही उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों की गति को बढ़ाया जाए। जिलाधिकारी ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरण, चिकित्सकों की उपलब्धता, साफ सफाई, टेस्टिंग, दवाओं आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए सीएमओ को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित हो कि मरीजों के उपचार में कोई कमी न होने पाए। उन्होंने कहा कि सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भी दवाओं की सूची को प्रदर्शित किया जाए। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि गांव का कायाकल्प अभियान के तहत प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराए जाएं और उसमें प्राथमिक विद्यालय के कार्यों को वरीयता प्रदान की जाए। उन्होंने छात्रवृत्ति पेंशन के कार्यों को समयबद्ध ढंग से कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध में निर्देश दिया। सीवीओ डीपीओ मिलकर कुपोषित बच्चों के परिवार को निराश्रित गौवंश उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने सड़कों के गड्ढा मुक्ति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि हर हाल में अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बस वही सर कि आपने सोचा निर्देश जारी किए थे खरीदो एक गली के ग्राम पंचायत पास में लगा मोटर पेंट दे रहा और थर्मल स्कैनर से 220 ही रहेगा सर। क्या एसपी करेंगे सर? आपका कौन सी मुद्दा है इसमें? दो मीटिंग में सर भावना हो गई। कौन सी आपका इस पर नक्शा? दो माफिया वाले बात करनी थी। अच्छा, आप पुलिस निर्माण बाकी नया चीज कौन है जो नहर पर पेड़ के पानी पहुंचाने के लिए नया आएगा? जी ये पीछे था सर, लास्ट पहले लास्ट में हुआ करता था। क्या अभी का टैंक पर पानी क्यों उतरा था? कहीं नहीं है, गलत सूचना है।